दोस्तों आज मैं आपको हरिद्वार की सबसे सस्ती धर्मशाला दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर मात्र 300 रुपये में आपको एक रूम मिल जाएगा जिसमें आप 8 से 10 लोग आराम से रुक सकते हैं। और ये धर्मशाला हर की पैड़ी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है और इस धर्मशाला के अंदर आपको पार्किंग की भी सुविधा मिल जाएगी और भोजनालय की भी सुविधा मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आज मैं पहुँचा हूँ हरिद्वार नगरी में और यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही सस्ते रेट में धर्मशाला, जिस धर्मशाला का नाम है महंत तुलसीदास धर्मशाला। और यहाँ पे काफ़ी सस्ते रेट में आपको रूम देखने को मिलेंगे, मात्र 300 रुपये में यहाँ पे रूम स्टार्ट है और एसी और नॉन एसी रूम यहाँ पे 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आपको रूम दिखाते हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये धर्मशाला है। अंदर इसमें आपको मंदिर वगैरह देखिए क्या क्या है। और यहाँ पे से जो हर की पैड़ी है वो भी काफ़ी सामने, लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पे हर की पैड़ी है और काफ़ी अच्छी धर्मशाला है और रेट भी इनका काफ़ी अच्छा है। तो आइए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं रूम, चलिए मिलते हैं आपसे आगे। ये देख सकते हैं दोस्तों आप कितनी बड़ी ये धर्मशाला है। ये देखिए ऊपर सारे कमरे हैं और ये है मंदिर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है कमरों की कंडीशन, काफ़ी अच्छे कमरे हैं और इस रेट में इतने अच्छे कमरे आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आप होटल में जाते हैं तो डबल बेड का ही यहाँ 1000 रुपये 1500 रुपये लेते हैं, लेकिन ये आप इतने सारे बेड देख रहे हैं, 4 बेड लगे हुए हैं और 8 से 10 लोग इसमें आराम से सो सकते हैं। किराया है सिर्फ 1000 रुपये और ये देख सकते हैं आप किसी भी मौसम में आते हैं, चाहे उस टाइम पर पीक सीजन है या डाउन सीजन है, आपको इसी रेट में यहाँ पर कमरे मिलते हैं। ये देख लीजिए और ये है अटैच्ड वॉशरूम, गीज़र वगैरह भी लगा हुआ है इसमें, काफ़ी साफ़ सुथरे यहाँ पे वॉशरूम है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है और बिल्कुल हर की पैड़ी के पास में ही है। हर की पैड़ी यहाँ से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर पे। अच्छा, हर की पैड़ी यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे, मतलब हर की पैड़ी के पास ही है ये। अगर आप इससे थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो यहाँ पे आपको हर की पैड़ी भी मिल जाएगी। ये देखिए एक और कमरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थ्री बेड में कमरा है, इसमें एक डबल बेड है, एक छोटा वाला बेड। ये देखिए और इसमें भी एसी ना, एसी है, गर्म पानी भी और गर्म पानी के लिए गीज़र भी है, तो ये सब सुविधा भी आपको यहाँ पे 1000 रुपये में मिलेगी। ये देखिए तो आप किसी भी तरीके का रूम लेते हैं यहाँ पे 1000 रुपये का है और किसी भी मौसम में आते हैं 1000 रुपये, बस आपके सुविधा के अनुसार डिपेंड करता है कि अगर आप एसी लेना चाहते हैं तो उसमें बेड कम मिलेंगे और बिना एसी का लेते हैं तो बेड उसमें ज़्यादा मिल जाएंगे। और यह है इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम, साफ़ सफाई यहाँ पे काफ़ी अच्छी रखी गई है। अच्छा, ये वाले कमरे 300 रुपये? हाँ फिक्स 300। अच्छा, ये वाले कमरे आप 300 रुपये के हैं, तो इसमें जैसे बिस्तर वगैरह कैसे मिलता है? वो किराए से मंगा के देते हैं, टेंट से मंगाएगा कोई तो, नहीं मंगाएगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब तो कितने रुपए का पड़ जाएगा अगर कोई बिस्तर भी मंगाता है तो साथ में? ये बिस्तर मंगाएगा तो 500-600 रुपये, 600 रुपये का बिस्तर के साथ, ठीक है। और इसमें वॉशरूम वगैरह कॉमन है, अटैच नहीं है इनमें ना? अच्छा, जो आपने नीचे कमरे दिखाए थे वो तो सारे 1000 रुपये के थे, जो फैसिलिटीज इनमें ज़्यादा अच्छी थी, और ये नॉर्मल वाले हैं, नॉर्मल वाले अपना 300 रुपये से स्टार्ट है, अगर कोई अपना बिस्तर लाया तो 300 रुपये में ही हो जाएगा ना। अच्छा, अंदर कितने रुक सकते हैं? उसके ऊपर बात है, आदमी कितना एडजस्ट कर ले, 4-5 रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8 से ज्यादा नहीं लेते हैं। अच्छा, बिस्तर कितने देते हैं अंदर? बिस्तर तो जितने मर्जी मंगा लो, वो तो अलग से रेट। अच्छा, उसके अलग अलग बिस्तर का हिसाब बनता होगा। सर मोटा आइडिया बताइए, तो 600 रुपये में कमरा हो जाता है। अच्छा, 8 भी लोग आएंगे तो 600 रुपये में पूरा बिस्तर मिल जाएगा। अच्छा, मतलब अगर कोई जैसे गांव से आता है अपने साथ बिस्तर लेके अगर आया है तो 300 रुपये में उसका काम हो जाएगा, और अगर वो बिस्तर यहाँ से लेता है तो 600 रुपये तक बढ़ जाएगा। ठीक है ठीक है। और ये देख सकते हैं लोकेशन कितनी अच्छी है यहाँ की, ये देखिए दिखा दो, ये देखिए काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और इसमें कॉमन वॉशरूम है, जो ये ऊपर के 300 रुपये वाले रूम है इनमें कॉमन वॉशरूम है, तो ये चीज़ आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी थोड़ा, क्योंकि उसमें कॉमन वॉशरूम रहेंगे। ये सारी टॉयलेट बाथरूम है। अच्छा, ये है कॉमन वॉशरूम, 7-8 जो भी वॉशरूम है, 14 वॉशरूम है, ठीक है, कॉमन वॉशरूम मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, बाकी कमरे सब ऐसे मिलते हैं। अच्छा, सुबह कितने बजे ओपन होती है? सुबह 5 बजे, रात को 10 बजे तक। चेकआउट टाइम 12 बजे? चेकआउट टाइम है दिन के 12 बजे, आ जाओ चाहे रात को 10 बजे चाहे सुबह 4 बजे आ जाओ। हाँ, चेकआउट 12 बजे का, ठीक है ठीक है, जैसे होटल में होता है नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरीके की धर्मशाला है, देख सकते हैं दोस्तों 60-70 यहाँ पे आपको कमरे मिल जाएंगे। और इनका और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा,
और 74091 3153 ठीक है। अगर कोई मतलब एक दिन पहले आके बुक करना चाहे फ़ोन पे तो वो करवा सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कमरा बुक कराना है तो आप फ़ोन से भी बुक करा सकते हैं। कमरों की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे मिलती हैं वो सब मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी आप अपने अनुसार यहाँ पे कमरा अपने बजट के अनुसार बुक करा सकते हैं। और भी बंद पड़े ना। अच्छा, और ये कमरा दोस्तों, एक और कमरा मैं आपको दिखा देता हूँ इसी धर्मशाला का। ये देखिए, ये वाला कमरा भी 300 रुपये में आपको मिल जाएगा। एक सिंपल पंखा लगाए, लाइट लगी है, और बिस्तर आप चाहें अपना ला सकते हैं, और आप चाहें तो इनसे किराए में भी करवा सकते हैं। और इसके लिए ताला अपना खुद का लेना पड़ता है या ताला आप देंगे? ताला भी खुद का लगाना है हमें। अच्छा, एक ताला भी आपको यहाँ पर ज़रूर लाना पड़ेगा साथ में, ताला भी अपना अपना खुद का ही लगाना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, कमरे तो बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी धर्मशाला है। कितने कमरा होंगे भैया ऊपर ऊपर? और दोस्तों ये वाला जो रूम है ये एसी रूम है, ये देख सकते हैं हम, एसी लगा हुआ है इस रूम पे, और डबल बेड है और अटैच्ड वॉशरूम है। ये रूम भी आपको मात्र 1000 रुपये में मिलेगा। ये देखिए आप, जो एसी के साथ है वो उसमें सिंगल मतलब डबल बेड है, और जो बिना एसी के उसमें 3-4 बेड लगे हुए हैं, बस ये फ़र्क है। तो अगर आपको एसी वगैरह चाहिए तो भी आपको 1000 रुपये में ये कमरे मिल जाएंगे। और देख सकते हैं बिल्कुल होटल जैसे साफ़ सुथरे कमरे हैं यहाँ पे, और वॉशरूम भी यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरा है। ये देखिए, और इतने सस्ते में आपको और कहीं भी कमरे नहीं मिलेंगे, और इतनी फैसिलिटीज़ के साथ। ये देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इतना बड़ा कमरा आपको यहाँ पे मिलेगा सिर्फ मात्र 1000 रुपये में, जिसमें 8 से 10 लोग सो सकते हैं। ये देख लीजिए, बेसिक फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और बड़ा परिवार है तो वहाँ पे आप साथ में सो सकते हैं। और ये है टॉयलेट वॉशरूम, इसी में अटैच्ड है, और देख सकते हैं कितना बड़ा रूम है। मात्र 1000 रुपये में आप साल भर में कभी भी आते हैं आपको ये 1000 रुपये में ही ये रूम मिलने वाला है। ये देख लीजिए आप, साल भर में कभी भी आते हैं 1000 रुपये में आपको रूम मिलेगा, 8 से 10 लोग आराम से रुक सकते हैं। बड़ा परिवार अगर साथ में आता है तो आप ये कमरे में रुक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ धर्मशाला के पास में ही अंदर ही एक भोजनालय भी है, श्रीराम भोजनालय, जहाँ पे आपको काफ़ी सस्ते में और काफ़ी अच्छा खाना मिल जाएगा। भैया खाना कितने रुपये से स्टार्ट है यहाँ पे? खाने की थाली बता सही स्टार्टिंग। यहाँ हमारे यहाँ जो खाना है बिल्कुल साफ़ सुथरा और प्योर वेज है। हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल धार्मिक स्थल है, हरकी पेड़ी के नज़दीक है, यहाँ पर किसी भी तरह का अंडा मांस मच्छी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। तो हमारे यहाँ जो खाना है, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो भी हमारे यहाँ खाना खाने आते हैं, और ये बहुत ही किफ़ायती दरों पर, जिसमें 50 रुपये की सादी थाली, जिसमें सादी दाल, 2 सब्जी, चावल, रोटी, अचार, पापड़, ये सब दिया जाता है। अच्छा, और विशेष रूप से सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। हाँ, ये देख सकते हैं आप, साफ़ सुथरा एकदम यहाँ पर रेस्टोरेंट है ये। ये देखिए बैठे की इतना बड़ा स्पेस इस हर की पड़ी क्षेत्र में मिलना बहुत मुश्किल है। ये लगभग 700 फुट का स्पेस है, जिसमें किचन है, और जो हमारा वैसा पानी वाला काम है, गीला काम, वो अंदर होता है। अच्छा, उसके लिए अलग व्यवस्था है, खाना अलग अंदर बनता है। मतलब 50 रुपये से स्टार्टिंग है खाने का, 50 रुपये में बिल्कुल साथ। और उसके अलावा जो भी आप अपनी डिमांड करते हैं तो उसका रेट अलग अलग। हाँ, जैसे कोई पनीर मांगता है तो वो भी 80 रुपये 70 रुपये, मतलब बहुत ही किफायती दरों पर। अच्छा, तो देख सकते हैं आप, अगर आप इस धर्मशाला में आते हैं तो आपको यहाँ पे खाने का भी बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत ही सस्ते रेट में आपको, और साफ सुथरा खाना आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देख सकते हैं, ये हैं टेबल सारे लगे हुए। और दोस्तों पार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पे बाइक और स्कूटी की ही पार्किंग अलाउड है। इसके अलावा वैसे तो सिटी के अंदर कार की पार्किंग अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आप बाइक और स्कूटी से अगर आते हैं तो आप यहाँ पे अपनी पार्किंग भी कर सकते हैं। ये देखिए धर्मशाला से सीधे हर की पैड़ी जाने का भी रास्ता है। ओके, धन्यवाद। ये देखिए अब सीधे आ गए हम हर की पैड़ी वाली रोड पे। तो दोस्तों अभी हमने आपको दिखा दी है ये धर्मशाला, कमेंट करके बताना आपको कैसे लगी। और कमरे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है, साथ में यहाँ पे 1000 रुपये में एसी और गीजर दोनों चीज़ मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा है। और पीछे आप व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे शाम को आप अगर छत में आना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा है। ऊपर आ यहाँ से आपको ऊपर मनसा देवी के दर्शन भी होंगे, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो ऐसी और वीडियो और धर्मशाला देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।